हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के नाइस। तो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हिंदी व समाज विज्ञान के विषयों को लेकर और सत्यापन तिथि को लेकर और जो अभी बाकी विषय नहीं आए उनको लेकर विकी खान जी का एक संदेश है जो आपको हम अपडेट कराना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं विकी खान जी ने क्या कहा है हिंदी समाज विज्ञान विषय को लेकर और रिजल्ट और सत्यापन तिथि को लेकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी प्रतियोगी भाइयों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम सभी ने मिलकर एलटी ग्रेड का रिजल्ट निकलवाया है, ये सिलसिला जब तक सामाजिक विज्ञान और हिंदी का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम चैन से नहीं रह सकते। इसमें सभी का अपना अपना योगदान है, इसलिए एलटी के बचे हुए रिजल्ट और सत्यापन तथा ज्वाइनिंग तक सबको अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। इसमें मीडिया प्रभारी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको समझते हुए एलटी समर्थक मोर्चे का यह निर्णय है कि प्रदीप कुमार सिंह एलटी समर्थक मोर्चे के मीडिया प्रभारी बने रहेंगे और काम की अधिकता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चे के मीडिया प्रभारी छाइया कुशवाहा रहेंगे। एलटी रिजल्ट समर्थक प्रतियोगी मोर्चा एलटी रिजल्ट को निकलवाने के लिए लगातार प्रयास किया है और जब तक एलटी रिजल्ट के बचे हुए दो विषय हिंदी और सामाजिक विज्ञान का अंतिम परिणाम नहीं आ जाता तब तक हम सभी प्रतियोगी भाई और बहनों को समझने की ज़रूरत है। एलटी रिजल्ट को अंतिम रूप देने के लिए सभी विषयों का रिजल्ट आना बेहद ही ज़रूरी है और सभी विषयों का सत्यापन होना भी बेहद ज़रूरी है और सभी चयनित प्रतियोगियों का नियुक्ति होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए एलटी समर्थक प्रतियोगी मोर्चा एलटी रिजल्ट के लिए सब आपके साथ संघर्ष में शामिल रहा है और उसके मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह जो अपनी पद पर बने रहेंगे, एलटी के संघर्ष में प्रदीप कुमार सिंह जी का सराहनीय योगदान रहा है। वह अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते हैं और एलटी रिजल्ट समर्थक मोर्चा इस बात को लेकर आशावंतित है कि जब तक एलटी का अंतिम परिणाम सत्यापन और ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक एलटी रिजल्ट समर्थक प्रतियोगी मोर्चे को मीडिया प्रभारी के रूप में प्रदीप कुमार जी का बने रहना बेहद ज़रूरी है। और मैं अपनी मीडिया प्रभारी जी से भी कहना चाहूँगा, बार बार अपने आप को मीडिया प्रभारी के पद से हटाने का उल्लेख न किया करें क्योंकि आपको जो पद है, आपका जो पद है वह बहुत ही मजबूत प्रतियोगी छात्रों में उत्साहवर्धन करने के लिए जो आपका प्रयास है वह सराहनीय रहा है। इसलिए आप ज्वाइनिंग तक अपने पद तक बने रहिए। एलटी समर्थक प्रतियोगी मोर्चा आपका आभार प्रकट करता है। मोर्चा संयोजक विक्की खान। तो इसमें इन्होंने कहा है, जब तक हिंदी व सामाजिक विज्ञान का अंतिम रूप से परिणाम जारी नहीं हो जाता है तब तक एक साथ चलना होगा, एक साथ सभी को इस पर कार्य करना होगा। ठीक है, तो एलटी ग्रेड के रिजल्ट और ज्वाइनिंग तक यहाँ पर बातें कही हैं विक्की खान जी ने और मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार जी अपने पद से हटने के लिए बार बार बोलते हैं, उनको यहाँ पर मना किया है कि ऐसा ना करें। ठीक है, क्योंकि उनके रहने से प्रतियोगियों के बीच उत्साह रहता है। ठीक है, तो हिंदी व सामाजिक विज्ञान के विषय जब तक जारी नहीं होते तब तक लगातार धरना प्रदर्शन होते रहेंगे और उनको निकलवाने के लिए पूरे जोर शोर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आप सभी को भी मिलकर साथ चलना होगा तभी इन दोनों का रिजल्ट भी आ सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये था विक्की खान जी का संदेश। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।